एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। इस पार्टी का गठन हुआ 26 नवंबर 2012 को और उस दिन संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इसको। तो जब इस पार्टी का गठन हुआ संविधान दिवस के दिन, जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, तो हमारा मकसद बहुत साफ था कि ये पार्टी बनी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, और उसके लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। और हमेशा ऐसा होता है हमारे साथ कि ये पार्टी खत्म हो गई, अब तो इनका सफाया हो जाएगा, अरे ये कहां से टोपी वाले आ गए, ये कौन सी पार्टी है। मैंने तो साथियों बहुत जलालत झेली है, आज से नहीं, 2011 में अन्ना आंदोलन के समाप्त होने के बाद जब हम लोगों ने पार्टी बनाई, अरविंद केजरीवाल जी 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले संगठन बनाने के लिए जाते थे तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर, कोई गंदी नाली का कीड़ा कहता था, कोई कहता था ये तो टेम्पू वाले हैं, कोई कहता था ये तो सफाई कर्मी है, कोई कहता था अरे इनके साथ तो रिक्शे वाले जुड़े हैं, अरे तो झुग्गी वालों की पार्टी है, तमाम तरीके से अपमानित किया गया। लेकिन वही झुग्गी वालों की पार्टी, वही सफाई कर्मियों की पार्टी, वही ऑटो वालों की पार्टी, वही गरीब आदमी की पार्टी 2013 में हम लोग लड़े, तो जब हमको कहा जाता था कि 6% वोट आ गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, 2013 में देश की राजधानी दिल्ली में आपने परचम लहराने का काम किया, 28 सीटें आई और हमने सरकार बनाई, 14 का चुनाव लड़े, हमारी जमानतें जब्त हुई देश भर में। और केजरीवाल जी वो वाक्या सुनाते भी हैं कि जब वो आए और अपने घर में जा रहे थे कौसाम्बी, तो गेट पे खड़ा हुआ गेट का जो दरबान होता है उसने कहा आ गए आप, गए थे मोदी से चुनाव लड़ने, और हमारा हंसी मजाक उड़ाया गया। और ये कार्यकर्ता जो आगे बैठे हैं जिन्होंने 15 के चुनाव का प्रचार किया होगा, बहुत सारे लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, कोई घर के सामने कुत्ता छोड़ देता था, कोई भगोड़ा कहता था, कोई कुछ कहता था, उस विषम परिस्थितियों में भी आपने लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 70 में से 67 सीटें आई। और तब भी कहा गया था पार्टी खत्म हो गई, साफ हो गई ये पार्टी कहा जा रहा था, पूरे देश में इनकी जमानत जब्त हो गई कहा जा रहा था। और आपने, मुझे याद है 2015 का चुनाव झारखंड जीत के आए थे, देश का चुनाव जीत के आए थे, महाराष्ट्र का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा का चुनाव जीत के आए थे, प्रधानमंत्री जी अहंकार से लबरेज थे, इसी रामलीला के मैदान में खड़े हुए कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, मैं नसीब वाला हूं, मुझे वोट दे देना। और हमारे कार्यकर्ता रोए थे वो बात सुन के, कई लोगों ने टीवी बंद कर दिया था और कहा था मोदी जी इतना अहंकार अच्छा नहीं है, केजरीवाल को बदनसीब बोल रहे हो। और ये हालत की दिल्ली के लोगों ने, ये हालत की कि जो 2014 में इतने बड़े मैंडेट के साथ, इतने बड़े जनादेश के साथ प्रधानमंत्री जीत के आए थे, उनको दिल्ली के अंदर स्कूटर पार्टी बनाने का काम आपने किया। तीन विधायक आए, 2017 का चुनाव हम लोग लड़े, पहला चुनाव था पंजाब में, 20 सीटें वहां पे आई, सहयोगियों की 2 सीटें, 22 सीटें वहां आई। एमसीडी का चुनाव लड़े, दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। 19 का चुनाव लड़े, 19 के चुनाव में भी हम लोग हार गए। और जब 2020 में चुनाव लड़े तो फिर से दिल्ली की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लोगों ने मेहनत करके
62 सीटें, 70 में से 62 सीटें आपने हासिल की।